بسم الله الرحمن الرحيم. I warmly welcome you all to this discussion session of CA CAF subject CAF 8 Cost and Management Accounting. तो जाहिर है कि ये अपने अगर आप इसकी लेवल के अतबार से देखें, इसकी पोजीशन के अतबार से देखें, तो सी ए के कैफ के सब्जेक्ट्स में इसका जो नंबर है वो 8वां नंबर है, ठीक है। और अपनी नोयत का ये बिल्कुल एक अलग पेपर है, यानी कि आपने कुछ चीज़ें इसकी QMT के अंदर AFC में पढ़ी थी जब आप AFC में थे, आपने हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कॉस्टिंग के हवाले से या कॉस्ट अकाउंटिंग के या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से FAR 1 में पढ़ी हो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप ओवरऑल देखें तो ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है तो ये अपनी नोयत के एक स्टैंड अलोन किस्म का सब्जेक्ट है, और ये इसके अंदर अकाउंटिंग भी शामिल है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्वियसली अकाउंटिंग की एक किस्म है पूरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो थ्योरी का भी है, यानी कि अल्फानोमेरिक डाटा है बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो हम जिसको डील करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ का मकसद समझ लेना जो है ये हमारे लिए उस चीज़ को हमेशा आसान बना देता है। तो हम भी सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली जो CMAC का सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है तो उसके पीछे बेसिकली ICAP की क्या थिंकिंग है, कि ICAP क्या एक्सपेक्ट करता है कि इस पेपर को पढ़ने के बाद, इसको पास करने के बाद स्टूडेंट्स में किस लेवल की कॉम्पिटेंसी डिवेलप होनी चाहिए या किस लेवल की कॉम्पिटेंसी और अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है ICAP की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस पेपर को पास करें, और उसके फिर प्रैक्टिकली इनको क्या फ़ायदे होंगे वो भी एक अलग चीज़ है जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, इस सिलेबस में, कि मैनेजेरियल अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि बेसिकली जहाँ अगर हम आज के दौर में अकाउंटेंट्स का फंक्शन या अकाउंटेंट्स के रोल के हवाले से बात करें तो अकाउंटेंट्स का काम आज के दौर में ये नहीं है कि आपसे बैलेंस शीट बना के दे देंगे क्लाइंट को, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके क्लाइंट को दे देंगे, बल्कि आपने बेसिकली लीड करना है ऑर्गेनाइजेशन को, यू आर लीडर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बात आ रही है समझ में। तो ऑब्वियसली जब आप मैनेजेरियल लेवल के ऊपर होंगे तो आपको कई मौकों के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सिलेबस के अंदर जो ICAP की तरफ से बेसिकली एक कोशिश है कि स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ पैदा हो, इस लेवल की कॉम्पिटेंसी पैदा हो कि इनको अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली आपने अपने अंदर का लीडर और मैनेजर जगाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट एक बेस प्रोवाइड करता है कि आपको मैनेजेरियल अकाउंटिंग से कुछ शनासाई जो है वो हासिल हो। दूसरे नंबर पे यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो कंसर्न होता है वो मोस्टली प्रोडक्शन बिजनेस से रिलेट करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से, ठीक हो गया। आप लोग ये जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये बात तो कैफ लेवल 1 के अंदर ही पढ़ा दी जाती है नॉर्मली स्टूडेंट्स को, कि बेसिकली जो हमारे बिजनेसेस होते हैं ना, बिजनेसेस को हम दो लेवल के अंदर सेग्रीगेट कर सकते हैं या दो बाइफर्केशन हम बिजनेसेस की बना सकते हैं। पहली बाइफर्केशन होती है बाय वर्च्यू ऑफ लीगल स्टेटस या ओनरशिप स्टेटस, जिसके अंदर तीन टाइप्स आ जाती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। वेयरएज जो दूसरी एक बाइफर्केशन हम बनाते हैं बिजनेसेस की, वो क्या होती है, वो होती है बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशंस और बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन या इन्वेंट्री बिजनेसेस हमेशा तीन किस्म का हो सकता है, या तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा जिसका प्राइमरी जो ऑपरेशन होता है वो होता है कि जिस गुड्स को ये सेल करता है उनको मैन्युफैक्चर भी खुद करता है, या हमारा बिजनेस जो है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस होगा, यानी कि जिन चीज़ों को ये सेल कर रहे हैं इस बिजनेस के ओनर्स या चलाने वाले उन चीज़ों को पहले परचेज करते हैं उसके बाद आगे सेल करते हैं, या तो हमारा बिजनेस जो है एक सर्विस इंडस्ट्री बन सकता है, एक सर्विस बिजनेस बन सकता है, ऐसे ही है ना।
तो यहाँ पर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ज्यादा फोकस आप देखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, आप लोग देख रहे होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों की क्लासेस अभी कम्प्लीटली कंक्लूड नहीं होंगी, फिनिश नहीं हुई होंगी, क्योंकि अभी जाहिर है कि सिलेबस चल रहा होगा और आप में से जो लोग पहले सीमैक पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को वैसे भी आइडिया होगा कि हम हर चीज में जो है ना प्रोडक्शन का ताल्लुक कहीं ना कहीं से जरूर आईक्या भी अपनी क्वेश्चंस में ले आता है और जो आपके चैप्टर्स हैं उसके अंदर भी ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री से रेलेवेंट ही हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि बेसिकली हमारी सबसे ज्यादा जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही इनकर हो रही होती है और आम हालात के अंदर आपको जो डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ रही होती है वो भी आपको प्रोडक्शन के हवाले ही से करनी पड़ रही होती है। अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट्स की बात करें या आप बात करें किसी ट्रेडिंग बिजनेस की तो वहां पर डिसीजन मेकिंग का भी स्कोप कम है और वहां पर जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है वो भी नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप्स की कॉस्ट होती है, उसके अंदर और खास किस्म की ऐसी कॉस्ट शामिल नहीं होती जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली जो है वो डील करें। अलबत्ता जो हमारा प्रोडक्शन बिजनेस होता है उसके अंदर जो कॉस्ट होती हैं ज्यादातर वो हम सीमैक के सिलेबस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो तीन फैक्टर्स या तीन किस्म की कॉस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको एक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है कि जिससे आपने अपना फाइनल गुड या फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करना। अब आप रॉ मटेरियल ले आए और उसको अपने सामने रख के अंतर मंतर क्लिकल अंतर छूकल अंतर पढ़ के उसके ऊपर फूंक दें तो फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्सेस जो है वो उस रॉ मटेरियल के ऊपर एक्ट करेंगी कि वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाए इनटू द फिनिश्ड आउटपुट और द रिक्वायर्ड आउटपुट। ये जो कॉस्ट होती है इसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कुछ हमारे मजदूर, कुछ मिस्त्री, कुछ लेबर्स, कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, कुछ मशीन भी इन्वॉल्व होगी कि जिसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या प्रोसेसेस में जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हमारी दो किस्म की कॉस्ट होती हैं, एक लेबर की कॉस्ट यानी कि वो वेजेस या सैलरीज जो हम अपने एम्प्लॉयज को या अपने वर्कर्स को पे कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं बेसिकली उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, और दूसरा बेसिकली वो मशीनरी जो उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है या हर तरह की वो कॉस्ट जो उस मशीनरी को चलाने के अंदर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई या इस तरह के और अखराजात जिनको हम ओवरहेड्स कहते हैं, और मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोगों को ओवरहेड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से है ऑलरेडी। तो ये जो दो किस्म की कॉस्ट होती है जिसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, बेसिकली कन्वर्जन इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज कॉस्ट आर इनकर्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटीरियल इन टू द फाइनल प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये तीन किस्म की कॉस्ट जो है वो रेलिवेंट होती है। इन तीनों किस्म की कॉस्ट की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग देने के लिए भी आईकैप ने बेसिकली इस सिलेबस को और इस सिलेबस के अंदर पर्टिकुलरली इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस की कॉस्ट को शामिल करने का जो है वो फैसला किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए से और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए से एनालाइज कर सकते हैं। अगर तो आप लोग अब तक मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं तो आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, वरना नॉर्मली जो हम एफएआर के अंदर पढ़ रहे होते हैं ना, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, जो इनकम स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो एक मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस बेसिकली यूजर्स का। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, और टिपिकली ये इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से हमें काफी चीजें जो है वो आप देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम चीजों का कोई खास फॉर्मेट भी नहीं मिलता हमें, मतलब वो फॉर्मेट जो हमारे टीचर्स हमारे लिए डिफाइन कर दें वो तो ठीक है, लेकिन कुछ खास स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के कि आपने उस मुताबिक जो है वो अपनी चीजों को, मतलब आपको ऐसी कोई चीज आप उसके जो है ना वो आपके सामने से नहीं गुजरी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान होते हैं कि हम क्वेश्चन को पेपर में प्रेजेंट किस तरह से करें अपने सोल्यूशन को, उन बेचारों को फॉर्मेट का पता नहीं चल रहा होता कि हम फॉर्मेट कैसा यूज करें, तो उसकी वजह यही होती है कि जो काम आपके अपने घर के लिए होता है ना वो आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जो चीज आपने बाहर लोगों को प्रेजेंट करनी होती है उसको आप एक खास तरीके से करते हैं। तो यही बात है कि जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है
उसको हम किसी भी तरीके का फॉर्मेट नॉर्मली यूज कर लें लेकिन वो प्रेजेंटेबल हो तो वो चल जाता है। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि मार्जिनल और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं नॉर्मली अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के उसके अकॉर्डिंगली बन रही होती हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की तो हमें कई मौकों पर मार्जिनल कॉस्टिंग के अतबार से इसको बनाने की जरूरत पड़ती है। और इसको बेसिकली इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए से और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए से, ये चीज भी कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर हम लोगों को सिखाने का मकसद है। उसके बाद फिर हम चूंकि प्रोडक्शन प्रोसेसेस की बात करते हैं ऑफ एंड ऑन, तो कभी कभार ऐसा भी मुमकिन होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, हमने देखिए मैं आपको दो बातें बताऊंगा, एक बात बिल्कुल इस स्लाइड के एंड के ऊपर और एक बात अभी मैं बता रहा हूं। जब भी हम बात करते हैं ना प्रोसेस कॉस्टिंग की, सॉरी इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो इसमें बेसिकली एक चीज तो हम लोगों को जिस चीज के साथ हमारा कंसर्न होता है वो हमारा फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अच्छा वो फाइनल प्रोडक्ट जो है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस हो या एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, जब हम रॉ मटेरियल उसमें ऐड करें और उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करें, यानी कि लेबर भी अपना काम करे, ओवरहेड्स भी इसके अंदर अप्लाई हो जाएं, तो उसके रिजल्ट में नतीजे के तौर पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो ये सिंपल सिनेरियो। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि जो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली लाइफ की एग्जाम्पल लें तो जो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है इसके अंदर कई किस्म के प्रोसेसेस और कई किस्म के डिपार्टमेंट्स के जरिए से जो ऑयल होता है, बेसिकली जो जमीन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोर्स ऑफ ऑयल तो बेसिकली हमारा अर्थ ही है ना, जमीन से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो प्योरिफाइड नहीं होता बल्कि उस फॉर्म को हम क्रूड ऑयल कहते हैं जो कि इम्प्योर फॉर्म होती है। हमने हासिल क्या करना होता है, लेट सपोज हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पेट्रोल है, अब हम उस क्रूड ऑयल को पहले एक प्रोसेस से गुजारते हैं तो क्या होता है, उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज रिड्यूस हो जाती हैं और लेट सपोज हमारे पास केरोसिन ऑयल आ जाता है, फिर हम उसको मजीद कोई और डिपार्टमेंट्स में से गुजारते हैं तो लेट सपोज हमारे पास जो है वो डीजल आ जाता है, फिर आपको पता है कि इनके अंदर भी कई क्वालिटीज होती हैं, कुछ में कार्बन कंपोनेंट ज्यादा होते हैं कुछ में कम होते हैं, जितने कार्बन कंपोनेंट्स कम होते हैं उतना ज्यादा फ्यूल जो है वो ज्यादा स्मूद होता है, तो इनके भी मुख्तलिफ जो है वो क्वालिटीज होती हैं। आपने हाई ऑक्टेन का नाम सुना होगा, वो सबसे अच्छी क्वालिटी समझी जाती है, और एक नॉर्मल होता है जिसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। बताने का मकसद ये है कि बेसिकली हमारे जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से गुजर कर अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज को समझने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक पूरा जो है वो पढ़ा जाता है, एक चैप्टर आप कह लें या एक पूरी एक थ्योरी पढ़ी जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग की। ठीक है, और इसके अंदर किस तरीके से हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फाइनल प्रोडक्ट की, बेसिकली हमारा मकसद कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से की जाएगी इस कोर्स के अंदर, हम लोगों को जो एक चीज सीखनी है वो ये भी सीखनी है। बजटिंग हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन का, टिपिकली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका एक खासा होता है, यानी कि हमेशा आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई मैंने अगर कोई स्टेप लेना है तो वो कैसे लेना है। बजट इज बेसिकली नथिंग मोर देन अ प्लान दैट यू मेक, ऑलराइट, और फोरकास्ट भी बेसिकली आप बजटिंग को कहते हैं कि आप आज की तारीख में फ्यूचर के हवाले से सोच रहे हैं और कैलकुलेशंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू यू राइट नाउ इन द प्रेजेंट, ऑलराइट। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा पास्ट से ली जाती है या प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप फ्यूचर के बारे में जो है बेसिकली प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये टेक्निक्स जो है कि किस तरीके से आप जो है वो बजटिंग और फोरकास्टिंग कर सकते हैं, इस सिलेबस में आप लोग सीखेंगे या सीख चुके होंगे या सीखना अभी सीख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको पता हो कि भाई पैसे की इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि टाइम के अतबार के साथ पैसा वैल्यू अपनी या लूज करता है या बढ़ाता है, ठीक है, इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब आपको पता हो कि भाई मैंने फोरकास्टिंग भी करनी है और टाइम की मनी की वैल्यू भी है टाइम के अतबार से, तो ऑब्वियसली आप सबसे बेहतरीन जो डिसीजंस ले सकते होंगे ड्यूरिंग द करंट सिनेरियो दैट यू आर फेसिंग हैविंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद यू, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग जो आपके बिजनेस प्रोसेसेस के लिए बेस्ट साबित हो,
तो एक चीज जो हमने यहाँ पर सीखनी है वो डिसीजन मेकिंग भी सीख ली। उसके बाद एक टॉपिक, दो टॉपिक्स आपकी बुक के अंदर और भी हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। ये टिपिकली जो आपकी फाइनेंस की फील्ड होती है ना, ये उससे रिलेट करते हैं, और इनका कुछ कुछ आपने तस्करा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, कुछ आपने QMT में भी पढ़ा हुआ है, कुछ अब FAR 2 के अंदर भी इन्होंने शामिल कर दिया है, और CMA के अंदर तो ऑब्वियसली आपने इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ आपको ये इस हवाले से भी ICAP जो है वो आगाही देना चाह रहा है कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग होती है, और कॉस्ट का यहाँ पर जो है, या डिसीजन मेकिंग का या बजटिंग का यहाँ पर क्या जो है वो अमल दखल हो सकता है। और अल्टीमेटली जो, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया, लेट मी रिजॉल्व दैट। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज बेसिकली मैंने डिस्कस करनी है वो क्या है, जो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की रूह है, और जो असल में हम, जो हमारा मकसद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो क्या होता है कि तो जो हमारा असल मकसद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या होता है कि हमने हमेशा जो फाइनल आउटपुट है ना, उसकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। अक्सर औकात असल में कॉस्टिंग के सवालात इतने कोई ट्रिकी होते हैं ना कि स्टूडेंट्स बेचारे वो हल करते करते भूल जाते हैं असल में हमने करना क्या है। और नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करनी है। अब हो सकता है कि कई यूनिट्स जो है वो आउटपुट्स के जो है वो सवाल के अंदर मेंशन हो सकता है सिर्फ एक ही हो, तो ये मुख्तलिफ सवालात की नौयत जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा मकसद होता है ना, वो ये होता है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करनी है यूनिट कॉस्ट ऑफ द फाइनल आउटपुट। अगर हम बात करें कि हमारे सिलेबस में टोटल चैप्टर्स कितने हैं या कंटेंट्स क्या है हमारे सिलेबस के, तो वो कुछ आपके सामने है, ठीक है। टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारी बुक के वो 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो सारे के सारे 18 चैप्टर्स हैं वो, उनमें मतलब ये है कि कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंस के अतबार से दूसरों से बड़े हुए, और ये सारे के सारे, इन बातों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार ये 18 चैप्टर्स हैं हम कैसे करेंगे। बेसिकली जो 18 चैप्टर्स हैं, इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बाकी चैप्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ना जो है वो मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा कोई इंडिविजुअल वेटेज रखते हैं, लेकिन उनका पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो बाकी चैप्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो कैसे, इसको हम देखेंगे। अभी शुरू के दो जो चैप्टर्स आप देखें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अतबार से, यानी कि इसके अंदर आपको मटेरियल का जो एलिमेंट होता है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, उस हवाले से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है इसके अंदर। इसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो तो खैर इसमें बेसिकली आपकी वैल्यूएशन मेथड्स के हवाले से, कि इन्वेंट्री को आप वैल्यू कैसे कर सकते हैं, और ये वो चीज है जो आप ITA से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी फिर एक रिविजन है। जहां तक ताल्लुक है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इसके अंदर आपको पता चलता है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग इदारा जो है उसने ऑब्वियसली अपने पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री तो मंगाते रहना, उसने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस को तो चालू रखना है ना, तो अब कभी कभार ऐसा होगा कि वो मटेरियल मंगाएंगे, जाहिर है कि वो इस्तेमाल भी होगा और वो खत्म भी हो जाएगा इस्तेमाल होने के बाद, तो हमें बार बार मटेरियल जो है वो मंगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मटेरियल कैसे मंगाया जाए, किससे मंगाया जाए कि हमें जो है वो सस्ता भी पड़े, दूसरी बात यह कि हमारे पास जो है ज्यादा स्टॉक भी ना पड़ा रहे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री हो तो खामखा आपका पैसा जो है वो इन्वेंट्री के अंदर टाइड अप रहता है, बिकॉज इन्वेंट्री इज द लीस्ट लिक्विड एसेट। बात आ रही है ना समझ में। बेसिकली हमारा मकसद होता है इन्वेंट्री का कि हम उसको इस्तेमाल करके उससे अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट करें, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री का स्टॉक अपने पास रखेंगे तो हमारा फालतू का पैसा जो हम किसी और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली आपने यही चीजें सोचनी करनी है, ठीक है। तो वो पैसा जो किसी और जगह इस्तेमाल किया जा सकता है वो खामखा इन्वेंट्री में क्यों टाइड अप रहे, तो आपने ऐसे इन्वेंट्री की एक प्लानिंग करनी है कि आपके पास इन्वेंट्री एक खास मकदार में पड़ी भी हो, जरूरत से ज्यादा भी ना हो, जरूरत से कम भी ना हो, और वो सस्ती भी आपको मिले, और आपका जो जैसे ही आपका बेसिकली इन्वेंट्री एक खास लेवल तक पहुंचे तो आप उसको दोबारा से रीऑर्डर कर लें। इस तरह की तमाम चीज के इन्वेंट्री को किसी भी इदारे में कैसे मैनेज किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे चैप्टर 2 है इन्वेंट्री मैनेज, ही आपको मैनेजमेंट आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है।
अच्छा यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होता है हमेशा पेपर में। ये चीजें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। ओवरहेड्स का चैप्टर जो है इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ओवरहेड्स बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस के, जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होते हैं। और उसके बाद लेबर कॉस्टिंग आ जाती है, जिससे आपको लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करना और किस किस तरीकों से लेबर की कॉस्ट जो है वो किन किन स्टैंडर्ड्स के अतबार से हम लेबर को जो है, फॉर एग्जाम्पल लेबर को नॉर्मली तीन तरीकों से पे किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि या तो आप उसे कह लो कि भाई तुम मेरे पास रोजाना इतने घंटे काम किया करो तो मैं तुम्हें पर आवरली इस रेट के ऊपर पे करूंगा। दूसरा ये होता है कि आप उसको कहें कि भाई आई डोंट केयर कि तुम कितने घंटे काम करते हो, मुझे यूनिट्स इतने चाहिए तो तुम पर यूनिट मैं तुम्हें इतना पे करूंगा। अब अगर कोई बंदा अक्लमंद होगा तो वो एक ही दिन के अंदर उन सबको बना लेगा अगर बनाना पॉसिबल हो, और वो सारे के सारे पैसे एक ही दिन में वसूल कर ले। और अगर वो बेवकूफ हुआ नलायक हुआ तो ऑब्वियसली वो अपना टाइम लगाता रहेगा, और फिर जितने दिन वो डिले करेगा और जितने कम यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस करेगा उतने कम पैसे उसको मिलते रहेंगे। तो पहली वाली जो मैंने सिचुएशन बताई थी कि जिसके अंदर आप आवरली पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो है वो मजदूरों के डंडी मारने के चांसेस निस्बतन ज्यादा होते हैं। अच्छा एक तीसरा स्टैंडर्ड भी होता है लेबर को पेमेंट करने का, और वो क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि एक उस्ताद होता है और एक छोटा होता है शागिर्द होता है, ठीक है, जिसको हम अप्रेंटिस बोलते हैं। तो हमेशा उस्ताद जब काम करता है ना तो फी ज्यादा चार्ज करता है, और जब वो किसी छोटे को भेजता है तो ऑब्वियसली छोटे की फी थोड़ी कम होती है क्योंकि उसके अंदर वो स्किल ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें दो किस्म की स्किल आ जाती है ना, एक स्किल्ड लेबर और एक सेमी स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर। तो मुख्तलिफ तरीकों से जो है लेबर की भी कॉस्टिंग की जाती है। इस चैप्टर के अंदर आपको उन तमाम तरीकों से रोशनास करवाया जाएगा, बल्कि आप शायद आप लोगों ने पढ़ चुके हो ये, ठीक है। उसके बाद फिर मार्जिनल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात है, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरियंस एनालिसिस, टारगेट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ऑल दीज चैप्टर्स मेक अप अ टोटल ऑफ 18 चैप्टर्स, ऑलराइट। लेकिन इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल, और ये सच्ची वाला घबराना नहीं है, गवर्नमेंट वाला घबराने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब तो घबराना चाहिए हमें, लेकिन यह है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें इंशाल्लाह ताला यह है कि ये चीज एस करना जो है दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल आराम से। हमारा जो सिलेबस है कॉस्ट का वो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इसको अचीव ना किया जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि असल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो थोड़े हैं, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सारे सपोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैप्टर 1-3 की बात करें तो इसमें से स्टैंड अलोन भी, चैप्टर 1-4 की बात करें अगर, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन उनके चांस फिर भी कम होते हैं। लेकिन ये चीजें आपको बजटिंग में बहुत काम आती हैं, या आपको डिसीजन मेकिंग में ये चीजें बहुत काम आती हैं। यानी कि आईकैप बेसिकली क्या करता है कि जो बड़े टॉपिक्स हैं उनमें एज अ सब टॉपिक इन छोटे टॉपिक्स को टेस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलकर देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो पेपर की ग्रिड है वो क्या है। अब नॉर्मली जो अब आईकैप की आप जो जदीद बुक्स हैं आप उनको देखें तो उसके अंदर आपको ये ग्रिड जो है वो ये मेंशन नहीं की होगी, तो आप इसको पुरानी ग्रिड भी कह सकते हैं। इन्होंने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स है ना, जिसमें ITF, AR1, FAR2 है, आईकैप ने उसके अंदर तो सिलेबस के अंदर भी जबरदस्त चेंजेस किए हैं, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर कोई मेजर चेंज जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं आई। लिहाजा तवक्को यही है कि अभी भी आईकैप इस ग्रिड को फॉलो करेगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो पहली ग्रिड में कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, यानी कि इसमें मटेरियल का पोर्शन, लेबर का पोर्शन और ओवरहेड का जो पोर्शन है उसकी मिल मिला के वेटेज 15-20 मार्क्स है। यानी कि आप समझ लें कि 1-2 सवाल इसमें से आ सकते हैं, और नॉर्मली इसमें से मटेरियल का सवाल लाजमी आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, EOQ वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, एक सवाल लाजमी तकरीबन इसमें से आता है। और कभी कभार ओवरहेड्स भी आईकैप जो है वो टेस्ट कर लेता है, या लेबर कॉस्टिंग टेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो दो सवाल बहरहाल इस पहली ग्रिड में से आना एक्सपेक्टेड होते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कॉस्टिंग सिस्टम्स। कॉस्टिंग सिस्टम्स के अंदर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया, प्रोडक्शन कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग वगैरह, ये चीजें आती हैं। ये 20-30 मार्क्स का है, लेकिन ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज करूंगा, वो आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स हैं कि जिसमें से लाजमी सवाल आता है।
सवाल ऊपर कॉस्टिंग सिस्टम्स में से भी लाजमी आता है, लेकिन ये जो बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स हैं, ये ऐसा है कि ये सिर्फ अपने ग्रिड को फॉलो नहीं करता, बल्कि कभी कभार बजटिंग का जो सवाल है वो 15 नंबर से भी एक्सीड कर जाता है। इसी तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है, इसकी वेटेज 20 से 25 मार्क्स की, यानी कि इसके अंदर आराम से आपके 2 से 3 सवाल जो है वो आ सकते हैं। बात आ रही है समझ में? और इसके अंदर न सिर्फ डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर आपकी बुक में है वो शामिल है, सीवीपी एनालिसिस भी इसमें शामिल हो जाता है, और उसके अलावा और भी जो है मतलब आईकैप मुख्तलिफ जो है डिसीजन मेकिंग के सवाल जो है एक ही पेपर में 2 से 3 सवाल डिसीजन मेकिंग के आराम से स्टूडेंट से पूछ लेता है, उसको कोई टेंशन भी नहीं होती। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस नहीं करते और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को भी डिस्कस नहीं करते। ये भी बेसिकली 2 सवाल लाजमी आते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से और एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से। थ्योरी के चैप्टर्स हैं, नॉर्मली ज्यादा इसमें थ्योरी है, और 5-5 नंबर का तकरीबन सवाल जो है 2 सवाल इन दोनों में से आते हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब ये है कि पढ़ने चाहिए क्योंकि सवाल तो लाजमी आता ही है, लेकिन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहने को तो ग्रिड में इसकी वेटेज 5 से 10 मार्क्स की है, लेकिन बिलीव यू मी 20-20 नंबर के सवाल जो है आईकैप ने दिए हुए टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड अपने पास पेपर्स के अंदर, यानी कि 15 से 18 या 15 से 20 मार्क्स का सवाल आराम से आ जाता है, यानी कि 5 से 10 मार्क्स की जो वेटेज लिखी हुई है ये किताब में कम है। अब तो खैर है ही नहीं, लेकिन वैसे नॉर्मली आईकैप हमेशा 10 से ऊपर नंबर ही का सवाल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से इसने पूछा हमेशा। ठीक है, तो इस ग्रिड को देखने का मकसद क्या है कि हमें बेसिकली एक आइडिया हो जाए कि भाई जब हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है तो हमें किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अभी हमारे पास तकरीबन 2 महीने पड़े हुए हैं, और इन 2 महीनों में यू गाइस कैन मेक वंडर्स इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड इफ यू अडॉप्ट द प्रॉपर एंड करेक्ट स्ट्रेटजी। इसके बाद जो अगली चीज इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और एरियाज जो है ना कोर डिस्कशन के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट में लेबर मटेरियल ओवरहेड शामिल होते हैं, ये ना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सवाल भी आना ही आना है, 2 सवाल कम से कम आना ही आने, बल्कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में भी मदद देगी, ये चीज आपको बजटिंग में भी मदद देगी, ये चीज आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर भी मदद देगी, और ये लाजमी सी बात है। दूसरे नंबर पर कॉस्टिंग सिस्टम्स, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ भी जो वेटेज है वो तकरीबन 20 से 25 मार्क्स की है, लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो यहां से शुरू होती हैं। डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ मार्क्स के अतबार से, दूसरे नंबर पर ये इंटरेस्टिंग भी हैं, तीसरे नंबर पर ये आपके पासिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथे नंबर पर आप देख लें कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एथिक्स का पोर्शन खैर इसके अंदर इतना कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता, तो इसको आप बेशक निग्लेक्ट कर दीजिए। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, इसको भी आप लोग अपनी उसमें बेशक अपने लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखें जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि ये आप आखिरी महीने के अंदर भी ये 2 चैप्टर्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर की जो चीजें हैं ना, इनको आप लोगों ने अभी से ही अच्छे तरीके से ग्रिप करना स्टार्ट कर देना। प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आसान है, इसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ओवरहेड्स पर आपकी ग्रिप लाजमी होनी चाहिए, और लेबर के ऊपर भी होनी चाहिए, और लेबर का अमल दखल बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको आएगा, बाकियों का भी आएगा, लेकिन लेबर के इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा आते हैं उसके अंदर। वो आपसे मुख्तलिफ सिनेरियो देकर सवाल आपसे पूछना शुरू कर देता है कि भाई ये लेबर इस तरह है, इतनी स्किल्ड लेबर है, इतनी अनस्किल्ड लेबर है, इसका ये रेट है, उसका वो रेट है, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल इसी तरह जो ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स के भी अब्सॉर्प्शन और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड ओवरहेड्स, इस तरह के जो है वो सवाल जो है वो आते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन है मायरा ने किया है इसका, मायरा आप जो है ना आखिर में सवाल कीजिएगा। ठीक है, या आखिर में आपको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला सवाल करने का, या आप आखिर में अपना क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद बजटिंग जो है, बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपको ये बजट्स बनाने आ जाते हैं ना, एक तो वैसे ही एक स्किल बहुत अच्छी स्किल है कि जिसको ना सिर्फ आप जो है वो यहाँ पर अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप वैसे भी अगर आप अपनी उसमें देखिए ना, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो आप अभी भी जो चीजें कर सकते हैं उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इसके रेलिवेंट एक्सेल स्किल्स हों या इस तरह की चीजें हों तो यू कैन मेक वंडर्स।
प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आता है, बजटिंग में से भी लाजमी आता है, डिसीजन मेकिंग में से भी लाजमी आता है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से भी लाजमी सवाल आता है. अब इमेजिन करें कि अगर आपके पेपर में लेट सपोज 7 से 8 सवाल आएंगे, तो उन 7 से 8 सवालों में से 4 सवालों का आपको पता है कहाँ से आने हैं, और ये जो इनकी वेटेज है ना, ये भी ठीक ठाक वेटेज है. यानी डिसीजन मेकिंग से आपके पास कम से कम 2 सवाल आएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग से 1 सवाल आएगा, बजटिंग से कम 1 सवाल आएगा, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कम 1 सवाल आएगा, तो 5 सवाल तो सिर्फ ये हो जाते हैं. अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को मिला लें और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मिला लें, तो 10 से 15 नंबर का इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर 1 सवाल आ सकता है. और उसके बाद अगर आपको ईओक्यू का सवाल आ जाए, जो कि आता है, या ओवरहेड्स का या लेबर का सवाल आ जाए, जो चांसेस होते हैं इनके ओवरलैप होने में, तो तब भी मतलब समझें कि आप 7 या 8 सवालों में से एटलीस्ट 5 से 6 सवाल आपके आराम से तैयार हो चुके. बता रही है समझ में? तो इन चीजों को मेरा मकसद यह है कि आपको थोड़ा सा ग्रेड के साथ और आपके जो बेसिकली सिलेबस के कंटेंट्स हैं उनके साथ मैं थोड़ा सा फेमिलियर कर दूं, क्योंकि बेसिकली अगर आप इन चीजों से अच्छे तरीके से फेमिलियर हो गए, तो बिलीव यू मी, पेपर पास करना इंशाल्लाह ताला आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, बाकी अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए. तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस नहीं ली हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू गाइज मस्ट अटेंड द लाइव क्लासेस. और आजकल क्योंकि हालात इस तरह के चल रहे हैं कि फिजिकल क्लासेस अक्सर जगहों पर पाकिस्तान में नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली यू गाइस मस्ट शिफ्ट टू ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ये जो हालात पैदा होते हैं ना, ये हमारी या तो बेहतरी के लिए होते हैं या हमारी बदतरी के लिए होते हैं. तो बेहतर ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उसको अपनी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करें. पूरी दुनिया अब लाइव क्लासेस के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है. हमारे पाकिस्तान में अगर मैं सीए कम्युनिटी की बात करूँ, तो ये अभी भी रिलक्टेंट है. तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगा कि हमें नहीं पता कि ये कब तक कोरोना की जो ये मसला है ये हमारे साथ है, और दिन ब दिन हालात बुरे होते जा रहे हैं. तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर इस वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे कि फिजिकल क्लासेस का इंतजार है, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग काइंडली अपना जो ये नजरिया है इसको तब्दील कीजिए, और आप लोग जो है वो लाइव क्लासेस की तरफ आइए, क्योंकि ये आपके अपने फायदे के लिए. लाइव क्लासेस को अटेंड करने का एक ये फायदा होता है, खास तौर पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर जिस तरह के सीमैक है, कि आप जब टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको दो चीजें चाहिए होती हैं न्यूमेरिकल पेपर पास करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, एंड द सेकंड थिंग प्रैक्टिस. क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कम्स फ्रॉम टू थिंग्स. द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेन यू टेक द लाइव क्लासेस द टीचर एक्सप्लेन्स यू द कॉन्सेप्ट, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस एवरी टाइम, तो हर नया सवाल करने से आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेहतर होता है. जी जनाब, हम बात ये कर रहे थे कि क्लास को अटेंड करने से, क्योंकि टीचर से आपका जो है वो बिल मुशाफा एक वो सेशन चल रहा होता है, तो वो क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं जब आप क्लास लेते हैं. ठीक है, बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर लेट सपोज कोई स्टूडेंट जो है वो उसने पहले भी सीमैक पढ़ी हुई है क्लास, रेगुलर क्लास के अंदर, और अगर उसे कोई एक्सट्रीम किस्म का कोई इशू ऐसा नहीं है फाइनेंशियल या कोई और कि जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले सकता, तो मैं उनको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा से सीमैक सिलेबस ही ऐसा है. मतलब शायद मैं FR1 के लिए FR2 के लिए रिकमेंड ना भी करूँ, लेकिन सीमैक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मैं हमेशा क्लास लेना जो है वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, और हर टीचर ही सजेस्ट करता है. ठीक है, तो एक तो आप क्लास लेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. दूसरे नंबर पर जब आप नए से नया सवाल प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जांपल करूं, तो लेट सपोज मैंने अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट गुजरी है स्प्रिंग 2020, मैंने पहले इसका सवाल अटेम्प्ट कर लिया, फिर मैंने जो है ऑटम 2019 का सवाल अटेम्प्ट कर लिया. अब ये दो नए सवाल थे जो मैंने अटेम्प्ट किए, तो हर नया सवाल जो मैं अटेम्प्ट करूंगा ये मेरा कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर करेगा. तो मुझे पता चलेगा कि बेसिकली जिस जो टॉपिक है ये इस तरीके से भी एग्जाम में टेस्ट हो सकता है, या इस तरीके से भी इसको अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, अच्छा, अब प्रैक्टिस किसे कहते हैं? दूसरी चीज प्रैक्टिस चाहिए होती है. प्रैक्टिस कहते हैं किए हुए सवाल को दोबारा से हल करना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्प्रिंग 2020 का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, उसके अंदर प्रोसेस क्वेश्चनिंग का जो सवाल आया था वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने 19 का अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद एक दो दिन बाद मैं दोबारा फिर इन दोनों सवालों को अटेम्प्ट करूँ, कुछ दिन बाद मैं दोबारा इनको अटेम्प्ट करूँ, तो जब आप एक सवाल की बार बार उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस डेवलप होती है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है,
तो यहाँ पर जो है जब आप प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी टाइम मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट के अतबार से मैं कुछ बातें बाद में भी डिस्कस करूंगा। दूसरे नंबर पर आपको पता है कि सीए के अंदर आप लोग माशाल्लाह से सीनियर लेवल पर आ चुके हैं कि आप क्या फेट में हैं, और उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके पेपर्स जो है वो पास है सारे। तो कैफ 8 में जब आप आ गए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से है कि कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है और स्टडी प्लान होना कितना जरूरी है, वो चाहे रिटर्न फॉर्म में हो या चाहे आपने वैसे ही अपना एक वो सिस्टम बनाया हुआ हो। तो बहरहाल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये बात जूनियर्स को समझाने की होती है, आप लोग माशाल्लाह खुद सीनियर्स हैं तो इस वजह से मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग तो क्लास में आपने ले ली, खुद से सवाल भी करते रहे, अब एटलीस्ट जो सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं उन सवालों को, और दूसरे नंबर पर जो टेस्ट आपके इदारा कंडक्ट कर रहे हैं उन टेस्ट में लाजमी शरीक हो। उसकी वजह यह है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी नहीं होती, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट भी करना होता है। हो सकता है जो टीचर ने मुझे बताया है, मैं जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, टीचर जो बताना चाह रहा था, उन दोनों चीजों में डिफरेंस हो। टीचर कोई और चीज बताना चाह रहा था, मैंने कोई और चीज समझ ली, हो सकता है ना। मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कि कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो है आपको पता है कि परसेप्शन के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ऐसी बात है ना कि टीचर कोई और चीज बता रहा था, आपने कुछ और चीज परसीव कर ली, उसका मतलब कुछ और ले लिया, बता रही समझ में। तो जस्ट टू टेस्ट दैट वेदर योर अंडरस्टैंडिंग इज अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट, आपने क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट फिर जो इदारे वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करके दें। हमारे इधर एक तो अलमिया ये भी है ना कि जो टेस्ट अव्वल तो होते नहीं है, हो जाए तो फिर जो है वो चेक होके नहीं मिलते, और डिस्कशन तो फिर उनकी अगर चेक होके मिल भी जाए तो डिस्कशन नहीं हो पाती। तो यहाँ पर एक जो है वो स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादती इदार वालों की तरफ से होती है, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा इदारे ऐसे हैं जो अब इस हवाले से काम कर रहे हैं। हमारा जो ये सीए ब्रांड्स ई कैंपस का जो एक मोटिव है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पे हमारा टेस्ट सेशन के ऊपर खूब जोर होता है, ठीक है। तो बहरहाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेली असाइनमेंट्स जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी में तो है नहीं कि आपको असाइनमेंट दी जाए, लेकिन अगर कोई होमवर्क टीचर की तरफ से मिलता है तो यू मस्ट डू इट, कोई बहानेबाजी इसमें ना किया करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई होमवर्क नहीं भी मिल रहा तो एटलीस्ट खुद तो आप प्रैक्टिस करते रहे ना घर पे, इस आस पे ना रहे कि टीचर आपको कोई काम देगा तो तब भी करना है। आप लेट सपोज जो भी प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं, जो भी नया सवाल कर रहे हैं, आप एटलीस्ट वो करते रहें डेली बेसिस पर, ताकि आप एक तो कंसिस्टेंट रहें, दूसरी बात यह कि इन प्रैक्टिस रहें, ठीक हो गया। आगे हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि एग्जाम से पहले एक सेशन लाजमी इस तरह का एक और रखा जाए जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इसी तरीके से जो है वो दावत दी जाए कि वो अटेंड करें। उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बताएं आप लोगों को कि किस तरीके से पेपर जो है वो अटेम्प्ट आप लोग करें, और कौन सा पोर्शन पहले करें कौन सा बाद में करें। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज उस हवाले से बाद में हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें, ठीक है। चौथे नंबर पर जो चीज है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि क्लास लें तो उसमें इन्वॉल्व भी हो, ऐसा ना हो कि घुन्ने बन के चुप करके बैठे रहें, ठीक हो गया, उसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है बहरहाल, लेकिन यह है कि मैक्सिमम फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो क्लास के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें। और दूसरी बात यह है कि नोट्स प्रिपरेशन जो है वो लाजमी रखें, ठीक है। और ये चीज इंशाल्लाह ताला जब आप लोग ऑडिट फर्म्स में जाएंगे तो तब आपको ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस होगी, और आपको करवाई भी जाएगी ये बात कि भाई आपने जहां पर भी जाना है अपना नोट पैड और पेन साथ लेकर जाना है, और जो भी बात होगी आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इसकी आदत अभी से आप लोग डालिए, इंशाल्लाह ताला ये चीज आपको फायदा देगी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, क्लास चल रही होती है तो हम लोग सारी चीजें लिख लेते हैं, बस एक छोटी सी बात सर ने बताई होती है, मैडम ने बताई होती है, हम वो नहीं लिखते, सोचते हैं कि यार ये बात ना मुझे ऐसी याद रह जाएगी। अल्लाह की कसम वही बात सबसे पहले भूलती है बाद में। इस वजह से जब आप लिख रहे हो ना तो आप लोग किसी भी चीज को हल्का ना समझें, कोशिश करें कि हर चीज जो है वो लिख लिया करें। तो इससे उस वक्त थोड़ा बहुत आपके हाथ शायद जरूर थकें, लेकिन यह कि उसका बाद में आपको फायदा लाजमी होगा जब आप रिविजन करेंगे या जब आप जो है उसको दोबारा से नए सिरे से देखने बैठेंगे। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको कुछ टिप दे दूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने गोल तो अपना डिफाइन किया हुआ है कि हमने सीमैक पास करना है, बल्कि अगर इससे भी बड़ी बात आप बताऊं मैं आपको, तो आप लोगों का इंशाल्लाह गोल यही होना चाहिए कि हम लोगों ने सीए क्वालिफाई करना है। तो गोल जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों में से किसी ने FR2 का भी सेशन लिया हो तो मैंने उसमें भी ये बात आप लोगों को बताई थी कि गोल जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। और जब आप गोल को पीछे खड़े होकर देखते हैं ना, यानी कि जहां आप खड़े होते हैं, गोल बेसिकली होता है उस जगह जहां आपने पहुंचना होता है, और ये इसका फासला आपको और आपके गोल के दरमियान फासला जो है वो नॉर्मली ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल
अब आपने सीए क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह, अभी आप कैफ लेवल में है तो कम से कम भी 3.5 साल और पड़े हैं आपके सीए की क्वालिफिकेशन में आर्टिकलशिप को मिलाकर, ऐसी बात है ना। तो ये जो चीज होती है ना कभी कभार डीमोटिवेट कर देती है बंदे को, तो इसलिए गोल्स को हमेशा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिवाइड करना जरूरी होता है, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक तो इजीली अचीवेबल भी हो, ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो है वो रियलिस्टिक भी हो, और तीसरे नंबर पे ये होता है कि जब वो अचीव हो जाते हैं ना तो आपको ये मोटिवेशन भी आपकी बढ़ती रहती है कि यार मैंने अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है तो मैं अगला भी कर लूंगा और अल्टीमेटली मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। तीसरी बात ये है कि अपनी डिटर्मिनेशन शो करें। जब आप डिटर्मिनेशन कैसे शो होगी, जब आप कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ मैं एफर्ट करूं, जब आप अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करें, दिन रात एक कर दें, ये कर दें, वो कर दें, नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि एटलीस्ट आप जितना कर सकते हैं उतना तो करने की कोशिश करें ना, अल्लाह ताला को ये दिखाएं कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, या अल्लाह मैं ये करना चाह रहा हूँ, तू मेरी मदद फरमा। और अल्टीमेटली जब आप काम करेंगे उसके लिए एफर्ट करेंगे तो आपकी एफर्ट भी जाया कभी भी नहीं होगी। मेक अ डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट कहते हैं ऐसा काम कि जिसको डिले नहीं किया जा सकता, यानी इम्पॉर्टेंट से एक स्टेप आगे, और इम्पॉर्टेंट भी अहम होता है लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट देन अर्जेंट। तो जो काम अर्जेंट है उसको आप पहले करने की हमेशा आदत डाल लें, और इम्पॉर्टेंट जो है उसको अर्जेंट के बाद ले आए। लेकिन ये डिस्टिंग्विश करना कि क्या चीज अर्जेंट है और क्या चीज इम्पॉर्टेंट है, बहरहाल ये भी एक सवाल का निशान होती है अक्सर लोगों के लिए। प्लानिंग का आपको पता ही है फायदा क्या होता है, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं सुस्ती को, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं आपकी ये जो आपकी तवज्जो इधर उधर हिलती जुलती रहती है, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए तो एक तो काम ये हो सकता है कि नीचे जो लिखा हुआ है कि आप एक्सरसाइज किया करें, तो उससे यह है कि थोड़ा बहुत आप चुस्त रहेंगे तो ऑब्वियसली सुस्ती जो है वो दूर भागेगी। दूसरी बात यह है कि बेसिकली आपको पता ही है कि यार शुरू में भी आपने पढ़ना है, एंड पे भी आपने पढ़ना है, एंड पे जरा बर्डन होता है पढ़ने का, वो अलहदा बात है, पढ़ाई ज्यादा अच्छी एंड पे होती है लेकिन यह है कि शुरू के अंदर थोड़ा सा बर्डन लेस होता है, तो अगर साथ साथ ही थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो आखिर के अंदर बोझ कम पड़ेगा, बजाय है कि आप शुरू के अंदर जो है वो चिल माहौल गुजारते रहें और आखिर में आके फिर जो है वो आप लोगों के ऊपर जो है बर्डन पड़ जाए, एग्जाम का भी प्रेशर हो जाए, फिर पता चले कि फलाने बंदे की इंडक्शन हो गई है, फलाना बंदा अप्लाई कर रहा है, मैं पेपर दे रहा हूँ, तो ये भी चीज जो है ना काफी सारे स्टूडेंट्स को बदल कर देती है। तो इस वजह से कोशिश करें कि सुस्ती को जो है एक खास हद तक लिमिट रखें, ठीक है। तो पहले जमाने में तो जरबुल मसल होती थी कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, कुछ लोग कहते हैं कि सुस्ती 1000 नेमत है, तो आप लोग तंदुरुस्ती को 1000 नेमत समझें, और सुस्ती के लिए आप कोशिश करें कि कोई इस तरह की चीजें अपने साथ अडॉप्ट करें। फॉर एग्जांपल चाय या कॉफी दिन में 1 या 2 मरतबा पी लिया करें, ठीक है। तो इससे यह है कि थोड़ा बहुत बंदा अलर्ट हो जाता है फॉर द टाइम बींग। लेट सपोज अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो अव्वल तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हर बंदे का पढ़ने का टाइम अलहदा होता है, कुछ लोग रात को ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई अर्ली इन द मॉर्निंग अच्छा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ दिन के अंदर किसी टाइम अच्छा पढ़ लेते हैं। तो जिस टाइम भी आपका दिमाग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, चाहे वो रात 2 बजे का टाइम ही क्यों ना हो, आप लोग उस टाइम पढ़ें। लेकिन यह है कि उस टाइम कोशिश करें कि फिर आप लोग तवज्जो से पढ़ें, यानी कि उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, मोबाइल फोन सबसे पहली बात बंद करके पढ़ें, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही होती है। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी ऐसे टाइम में पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर आपका घर वाले भी एक्टिव हैं, आपके अगर हॉस्टल में है तो दोस्त अहबाब एक्टिव हैं, तो उनको भी थोड़ा सा कहें कि भाई मुझे पढ़ने दो, मेरे पढ़ने के दिन है, ठीक है, क्योंकि पढ़े बगैर चारा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़े बगैर जो है वो पास कर जाएं या प्रैक्टिस के बगैर पास कर जाएं, और पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस के लिए दोनों के लिए आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए, ठीक है। तो अगर वो आपको घर में या हॉस्टल में मैसर नहीं आ पा रहा, तो कोशिश करें कि जो करीब तरीन आईकैप की लाइब्रेरी है या किसी भी और लाइब्रेरी में चले जाएं जहां सुकून का माहौल हो, किसी पार्क में चले जाएं अगर आप जा सकते हैं जहां पर सुकून का माहौल हो, तो वहां जाके एटलीस्ट अपने लिए कुछ टाइम दिन के 1 या 2 घंटे निकालें और उसमें जो है वो अपनी आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। और जनरली भी मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं कि नॉर्मल भी हमारे दिन की रूटीन जो है वो बहुत बिजी होती है, हर बंदे की रूटीन बिजी होती है, तो उसमें आप ये करें कि अपने लिए दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा जरूर निकालें जिसमें सिर्फ आप हों और आपका वक्त हो, तन्हाई हो, और उसके अंदर ये नहीं कि आप जो है इधर उधर फजूल कामों में लग जाएं, बल्कि आप उसके अंदर गौर व फिक्र करें अपने ऊपर, और नहीं तो यही सोचना शुरू कर दें कि भाई ये जो मेरी जिंदगी अल्लाह ने मुझे दी है, मैं किन कामों में उसको खर्च कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे प्रोडक्टिव और बेहतर बना सकता हूँ। देखिएगा इसका आपको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो फायदा महसूस होगा। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट है
इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं और इकट्ठे लेट सपोज पढ़ते हैं तो आप 20 मिनट बाद 2 कल्लाबाजियां लगा लें, फिर 20 मिनट बाद 2 कल्लाबाजियां लगा लें। इसका मतलब ये है कि आप थोड़े थोड़े ब्रेक्स देते रहें और उसमें जो है ना अपने आप को रिफ्रेश करें, ठीक है। और फिर जब आप इंशाल्लाह दोबारा अपनी ब्रेक के बाद वापस आकर पढ़ेंगे तो आप नए सिरे से अपना समझे कि एक स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपकी टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेपर के अंदर टाइम कैसे मैनेज करना है? वैसे तो इंशाल्लाह तआला उम्मीद है कि अगर हमने कोई सेशन किया पेपर से करीब तो उसमें ये बातें और आपको ज्यादा खुलकर बताऊंगा, लेकिन वैसे मैं आपको एक जनरल बात बता दूं कि आपका पूरा पेपर 100 मिनट का होता है ना, सॉरी 100 मार्क्स का होता है और आपके पास 3 घंटे होते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये इस तरह से होता है कि हर मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है। तो जब आप 100 मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास आंसर तकरीबन 90 मिनट्स आता है, बेसिकली जो टाइम आपके एग्जाम का है। तो पेपर इस तरह से कैलकुलेट होकर बनता है। अब वो अलग बात है कि उसमें डिफिकल्टी किस सवाल में कितनी है कि उसमें टाइम कभी कभार स्टूडेंट्स को 1.8 मिनट से ज्यादा ही लग जाता है। तो अब उसमें किस तरह से टैकल करना है इंशाल्लाह दिस इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन टुडे, इसको इंशाल्लाह फिर कभी बाद में देखेंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स है की मिस्टेक्स हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स करते हैं। पहली बात वही आ जाती है कि कॉन्सेप्ट बेचारों का क्लियर नहीं हो पाता। और इसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने पढ़ा तो होता है, अपनी तरफ से कोशिश भी की होती है, लेकिन जो है टेस्ट कभी नहीं दिए होते या काम कभी करके टीचर को नहीं दिखाया होता। तो ऑब्वियसली फिर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट उनके खराब होते हैं, लेकिन उनको जो है वो पता नहीं चलता इसका कि जी मेरे कॉन्सेप्ट खराब थे। वो अपनी तरफ से सही कर रहा होता है लेकिन उसका जो सारा सवाल होता है वो गलत होता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, खासतौर पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अब लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैलकुलेट कर रहे थे, उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट लेबर के हिसाब से थोड़ा वीक था, मटेरियल आपने ठीक किया और है ठीक किया, ओवरऑल आंसर उसका खराब निकल आएगा। उसका इम्पैक्ट सिर्फ यहां तक नहीं रहेगा, आगे तक जाएगा, ठीक है। तो CMA उन कुछ सब्जेक्ट्स में से है जहां पर मार्क्स की कटौती तो होती है इंडिविजुअल स्टेप्स पर भी, लेकिन जहां जहां तक उसका इम्पैक्ट जाता है ना वहां वहां पर भी थोड़ा बहुत मसला आपको फिर बनता है, ठीक है। बहरहाल मकसद डराना नहीं था, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि खुदारा अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के ऊपर तवज्जो दें, क्वांटिटी पर फोकस न करें बेशक, लेकिन क्वालिटी के ऊपर लाजमी फोकस करें। इस लाइन का मतलब अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो मुझसे क्वेश्चन से पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्ट एट लास्ट मोमेंट, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इन इफेक्टिव पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, ये बात डिस्कस तो नहीं की लेकिन ये कि इंशाल्लाह इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ गाइडेंस और इम्प्रॉपर गाइडेंस, ये कलमिया है स्टूडेंट्स का। अव्वल तो गाइडेंस नहीं मिलती, मिलती है तो जनाब हर बंदा अपनी जो है ना वो बोल रहा होता है। इस वजह से कोशिश करें कि हर बंदे से जो है ना गाइडेंस भी न लें। गाइडेंस लेने के लिए सबसे पहले आपके माँ बाप हैं जनरली, और उसके बाद आपके असातज़ा होते हैं, और फिर कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आपके असातज़ा आपको ज्यादा बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वालदैन CA से वाबस्ता नहीं है या फाइनेंस की फील्ड से नहीं है, आपके टीचर्स तो हैं ना, ऑब्वियसली आपके वालदैन से बेहतर वो मशवरा देंगे, लेकिन जनरली सबसे बेहतर सोर्स ऑफ गाइडेंस आपके लिए आपके वालदैन होते हैं, फिर आपके असातज़ा या आपके करीबी रिश्तेदार इस तरीके से। तो हर बंदे की गाइडेंस को ना फॉलो करने की जरूरत होती है, हाँ अगर वो वैलिड है तो करने में हर्ज भी नहीं होता, लेकिन ये है कि कोशिश किया करें कि जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं ना उनसे आप गाइडेंस लें। कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना, जो डर गया वो मर गया। तो इसी तरीके से एग्जाम से डरने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम एग्जाम होता है और इसको सिर्फ एग्जाम की हद तक ही रखना चाहिए। अपनी एग्जाम का जो फोबिया है ना वो आप अपनी तैयारी से जो है वो कम कर सकते हैं, और तैयारी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी नहीं, आप रोजाना के अतबार से कंसिस्टेंटली पढ़ें इंशाल्लाह ताला आपको इफाका महसूस होगा। क्रैमिंग का मैं बार बार अपने हर सेशन में मैंने बताया है कि रट्टा लगाने को हम बचपन से समझते हैं, लोग समझते हैं कि यार ये बुरी चीज है कि हाँ जी ये रट्टा लगा के पास हो गया, रट्टा लगा के पास हो गया। भाई रट्टा लगाना असल में जो रट्टे का लफ्ज है ना, ये भी मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ना अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब थोड़ी सी बायसनेस इसके अंदर आती है नेगेटिव साइड की। तो बेसिकली इसको अगर आप रिटेंशन बोले ना, चीज याद रखना, जिसको आप हाफजा कहते हैं, तो हाफजे का लफ्ज यहाँ पर ज्यादा मुनासिब है क्रैमिंग के लिए, ठीक है। तो होता इस तरह से है कि नॉलेज जब आप गेन करते हैं ना तो उसको रिटेन रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो क्रैमिंग इज नॉट बैड, लर्निंग बाय हार्ट इज नॉट बैड, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर विदाउट कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं तो फिर तो उस रट्टे का कोई फायदा नहीं, वो हकीकत में फिर रट्टा है, फिर वो नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको चीज का कॉन्सेप्ट है एंड यू नो दैट थिंग ऑल्सो, कि आप कहीं पर भी उसको अपने अल्फाज के अंदर रिप्रोड्यूस कर दें
ठीक है, तो दैट इज नॉट बेसिकली रट्टा, दैट इज बेसिकली समथिंग दैट वी कॉल रिटेंशन। ठीक है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट। और इसमें आपको अब लेट्स सपोज फॉर्मूले जो चीजों के हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब आप उसका रट्टा ही लगाओगे ना, या आप उसका भी कॉन्सेप्ट लोगे सिर्फ, तो ऑब्वियसली जहां जहां पर आपको लर्निंग की जरूरत है वहां पर आपको लर्निंग चाहिए। ठीक है, तो जनरली जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली रट्टा इतना नहीं चलता, तो कहीं पर चलता भी है जैसे कि फॉर्मेट्स हो गए या FAR2 का डिस्क्लोजर्स हो गए, इस तरह की चीजें, तो बहरहाल वहां पर आप इसकी इंपॉर्टेंस को निगेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट की बात दोबारा हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का मतलब यह है कि सवाल आपसे कुछ पूछा गया था, आपने जवाब बहुत अच्छा लिखा, लेकिन भाई वो जवाब था ही नहीं उस क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन का आप जवाब देकर आए। और ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा तब पॉसिबल होता है कि आपने सवाल नहीं एग्जामिनर का समझा, या आप सवाल तो समझ गए थे और आपको पता था कि मुझे जवाब नहीं होता आता, लेकिन आपने ना रिलेटेड चीजें आंसर में लिख दी कि चलो यार हो सकता है एग्जामिनर क्या है कि इसको कुछ ना कुछ तो आता है या पढ़ा होगा तो नंबर दे देगा। तो जी ऐसा एग्जामिनर नहीं करता। तो कभी कभार कुछ स्टूडेंट जो है ना गलत आंसर जानबूझ के लिख कर आते हैं क्योंकि उनको किसी ने ये बताया होता है कि पेपर आपने खाली नहीं छोड़ना। तो कुछ लोग तो भाई बेहुदा चीजें भी लिखते हैं पेपर्स के अंदर, आंसर्स के अंदर, कि यदि आंसर नहीं आ रहा तो चलो पेपर हमारा फुल होना चाहिए, रोब बैठेगा। तो आप एग्जामिनर को ऑफेंड करते हैं। जब एग्जामिनर ऑफेंड हो जाता है ना तो फिर वो कभी भी आपके खैर खाही आपके साथ नहीं करता है। वो इतनी दूर उठाकर आपका पेपर मारेगा कि मिलना भी नहीं है। फिर आपको जब मैसेज आएगा रिजल्ट का तो पास तो खैर नहीं होगा लेकिन कुछ एजाजी नंबर जरूर आपको मिलेंगे। फिर कुछ लेजेंड्स कहते हैं कि यार हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था फिर भी तेरा नंबर आ गया। तो बेसिकली ये ऐसा सीन होता है कि पेपर आपका पता ही नहीं होता किधर गया, तो रिजल्ट तो आपका ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होता, तो फिर आपको 10 नंबर दे दें या 49 नंबर दे दें क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर किया जाए। तो बाकी यह है कि ये कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती है पेपर्स में, इसको अवॉइड करने की जरूरत है। ये कुछ एग्जाम्स की टिप्स हैं जनाब, इसका बस मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरा बताना इतना इसमें कोई खास जो है वो असर नहीं रखता। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ इसमें से आपके लिए फॉलो करना आपके अख्तियार में, कुछ चीजें आपके अख्तियार में नहीं भी होती लेकिन फिर उनके लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तानी कौम जुगाड़ लगाने में वैसे ही माहिर है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास ये टिप्स एंड टेक्निक्स जो है ये महफूज रहें। और इसके साथ ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करता हूँ विद योर क्वेरीज एंड फीडबैक रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, मेरा भाषण खत्म हो गया है, अब आप लोगों को इख्तियार है, आप लोग सवाल पूछना चाहें तो हैंड रेजिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपना अपना क्वेश्चन जो है वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, जिसको मैं अलाउ करूँ, पहले आप लोग हैंड रेज करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि आपका सवाल है तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस प्लीज, हैंड रेजिंग ऑप्शन जो है नीचे पार्टिसिपेंट्स का आपको टैब नजर आ रही है ना आइकॉन बार में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हैंड रेजिंग ऑप्शन मिल जाएगा। जी हसान, अच्छा सर, इसलिए कोई है कि यही आई कैप की ठीक है। मैं बात क्वेश्चन नहीं समझा आपका सर, बुक कोई पैक वगैरह की कोई यूज कर लें कि आई कैप की ठीक है इसके लिए? आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ही बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो नया स्टडी टेक्स्ट है ना बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, जबरदस्त किस्म का लिखा हुआ है। तो आई कैप हमेशा यही स्टूडेंट्स को कहता है कि आप मेरा स्टडी टेक्स्ट फॉलो करें, तो वो बेसबुक आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ही रखें। अलबत्ता अगर आपको लगता है कि किसी दूसरी किताब में जो किसी और ऑथर ने लिखी हुई है, किसी दूसरे इदारे की है, वहां पर कोई चीज ज्यादा अच्छी लिखी हुई है, तो एज अ सेकेंडरी बुक या एज अ रेफरेंस बुक आप जरूर उसको इस्तेमाल करें, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो प्रिंसिपल बुक होनी चाहिए वो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ही होना चाहिए क्योंकि दैट इज समथिंग दैट आई कैप ओन्स इटसेल्फ। तो सर ये पास्ट पेपर कितने से शुरू करें, 2014 से के? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल मैं, चलो आपने जो पिछला क्वेश्चन था आपका, मैं उस हवाले से भी थोड़ा सा उसको आगे लेकर चलता हूं।
अब अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यूज करते हैं पैक की बुक यूज कर ली, राइस की बुक यूज कर ली, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ लिखे होते हैं, साथ उसके सॉल्यूशन भी मेंशनड होते हैं, तो वो एक सहूलत भी हो जाती है स्टूडेंट्स को। लेकिन वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अक्सर बहुत बहुत पुरानी पुरानी अटेम्प्ट्स के भी दिखे हुए होते हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि शुरू में जब आप कॉन्सेप्ट ले रहे हो तो चलो एक दो क्वेश्चंस पुरानी अटेम्प्ट्स के भी कर लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है ना जिस चीज से, तो वो आप लोग आई कैप के जो लेटेस्ट पास पेपर्स होते हैं ना पिछले 5 अटेम्प्ट्स के, यानी ये तकरीबन 10 पेपर बन जाते हैं, कोशिश किया करें इनसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ट्रेंड्स हमेशा से चेंज होते हैं। अगर आप पुराने पुराने पेपर्स देखेंगे ना आई कैप के, तो आपको लगेगा कि यार ये तो इतने आसान आसान सवाल होते थे, अब क्यों नहीं ऐसे आते। तो वो आसान थे, चीजें डिफिकल्ट हुई, टेक्निकल हुई, कॉम्प्लिकेट हुई, तो अब थोड़ी मुश्किल आ रहे हैं ना। तो इस वजह से एक तो इससे ये फायदा होता है कि एग्जामिनर का थोड़ा बहुत वो भी समझ में आ जाता है कि यार इसकी नेचर किस तरह की है, और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना वो आप डिफिकल्टी लेवल जितना अपने आप को आप टेस्टिंग के अंदर डिफिकल्टी के हवाले करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा मंद होगा एग्जाम में। ठीक है, आंसर हो गया आपका? ठीक है। और सर ये अटेम्प्ट जो है ये सितंबर वाली, ये आगे जाने के चांसेस हैं? यार हालात को अगर देखा जाए तो ये तो हम सबका अपना व्यू है ना, आई कैप इसके ऊपर क्या व्यू रखता है वो आई कैप की काउंसिल डिसाइड करेगी, मैं उसका पार्ट ऑब्वियसली नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो आई कैप का ऑफिशियल जो है एलामिया वो तो यही है कि अगर स्टूडेंट अपीयर होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला एसओपीस का ख्याल रखा जाएगा, और अगर वो अपनी सेहत की वजह से या मतलब ये है कि घर वालों की मर्जी की वजह से वो अटेम्प्ट नहीं देना चाहते तो रिफंड करवा सकते हैं या उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा स्टेप है बहरहाल आई कैप की तरफ से। तो अगर ये पोस्टपोन हो जाते हैं, ये मायरा ने भी मेरे ख्याल क्वेश्चन किया हुआ पर्सनल मैसेज में, तो अभी कंफर्म फिलहाल तो यही है कि सितंबर अटेम्प्ट होगी, क्योंकि आई कैप का इसके अलावा कोई दूसरा बयानिया सामने नहीं आया। तो जब तक आई कैप की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस हवाले से नहीं होती तो हम लोग जो है कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता हालात अगर देखा जाए तो एहतियात लाजिम है, तो आई कैप को चाहिए कि कुछ ना कुछ करे इस हवाले से। स्टूडेंट्स का स्टेक जो है वो, स्टूडेंट्स की जो बात है वो गलत नहीं है, तो बाकी ये है कि अगर स्टूडेंट्स खुद जो है वो नहीं अपेयर होना चाहते तो आई कैप ने ऑप्शन दिया, और मैं समझता हूँ ये भी अच्छी बात है कि चलें स्टूडेंट्स को कुछ तो फैसिलिटेट किया उसने। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू, यू आर वेलकम। हमारा आपका क्वेश्चन भी आंसर हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनी क्वेश्चन? जैनब आपका कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, जबरदस्त हो गया। चलें यहाँ पर फिर अपना सेशन जो है हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जो है अपने पेपर्स के अंदर भी कामयाब हों। अल्लाह ताला हम सब की इन हालात जो बने हुए हैं कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये हालात जो है ये आते जाते रहते हैं, इनसे परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगता रहे अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और कभी भी हिम्मत ना हारे ना कभी मायूस हो। ठीक है, तो मायूसी इंसान को जो है ना वो बहुत नीचे ले जाती है और उम्मीद जो है इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है, तो हमेशा इंसान को पुर उम्मीद रहना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर लेट सपोज कभी अगर मैं मिसाल ले लूं कि पेपर में भी अगर कोई बंदा पास ना हो सके अपने पूरी एफर्ट के बाद, क्योंकि कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट वैसे है कि जहां पर बच्चा जो है ना नॉर्मली एक एक नंबर से भी रह जाता है, यानी वो बहुत करीब होता है पासिंग के लेकिन किसी ना किसी वजह से वो एक एक मार्क से भी रह जाता है। उसमें आई कैप जानबूझ के किसी को फेल नहीं करता, लेकिन यह है कि कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर होती है कि जिसकी वजह से उसके मार्क्स बच्चे के कट जाते हैं, जिसका बच्चे को आइडिया नहीं हो पा रहा होता, तो कभी भी परेशान नहीं होते। ठीक है, तो बहरहाल अपनी एफर्ट हमेशा आप लोगों ने पूरी करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अपना
एक स्टूडेंट ने मेरे ख्याल सवाल पूछा था क्लासेस के तबादले से ड्यूरिंग द सेशन। तो यहाँ पर यह है कि फिलहाल मैं, हालांकि कॉस्ट मेरी स्पेशलिटी है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ सीए ब्रांड्स के ई कैंपस में कॉस्ट नहीं पढ़ा रहा अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से। अलबत्त टीचर्स हमारे पास यहाँ पर हैं जो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर लेट सपोज अगर कोई इंटरेस्टेड है आप में से, तो वो उससे एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से। लेकिन बस आप लोगों ने पुरउम्मीद रहना है हमेशा, और अपनी तैयारी जो है वो पूरे तरीके से आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है, नो मैटर के एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप लोग तैयारी ऐसे करें कि एग्जाम 15 दिन बाद हो रहे हैं, तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए। बाकी यह है कि हालात आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और ये हालात अल्लाह ही की तरफ से होते हैं, तो अल्लाह ताला से हमेशा खैर तलब करनी चाहिए, ठीक है। सो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाज़िर हो। विद दीज फाइनल वर्ड्स आई मार्क दिस प्रेजेंटेशन एज कंक्लूडेड। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।